होती है। दोस्तों ये एक म्यूजिकल वाटर अलार्म है, अब पानी का टैंक फुल होने पर म्यूजिकल अलार्म बजेगा। हम वैसे एक BC547 ट्रांजिस्टर और एक पीजो बजर से भी वाटर अलार्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पीजो बजर का जो साउंड है ये कानों में बहुत चुभता है, तो इसलिए मैंने एक म्यूजिकल IC EM66 का इस्तेमाल किया है और एक BC547 ट्रांजिस्टर। दोस्तों यहाँ पर मैंने BC547 ट्रांजिस्टर के बेस के साथ एक 100 ओम का रेजिस्टेंस को लगाया है। अब UM66 जो हमारा म्यूजिकल IC है उसको हम कुछ इस तरीके से बेंड करके लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर को लगाना जरूरी है, नहीं तो ये IC ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। हो सकता है पानी को टच करे लेकिन आधा साउंड होने के बाद ये बंद हो जाए, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर को लगाना जरूरी है। और ये हमारा स्पीकर, और स्पीकर के नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा ताकि साउंड थोड़ा ज़्यादा हो। अब BC547 ट्रांजिस्टर के जो एमिटर पिन है उसके साथ हम स्पीकर का एक तार कनेक्ट करेंगे और दूसरा तार हम GND में कनेक्ट कर देंगे, या फिर कैपेसिटर का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है यहाँ पर। दोस्तों इस सर्किट का जो नेगेटिव पावर सप्लाई है ये हम कैपेसिटर का नेगेटिव लेग में देंगे, यही हमारा GND पिन है। और जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है ये हम BC547 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन या फिर फास्ट पिन में देंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने UM66 को कनेक्ट किया है वहाँ पर देंगे। और ये हमारा सेंसर लेग, एक सेंसर लेग को हम BC547 ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जो रजिस्टर लगाया था उसमें कनेक्ट करेंगे, और दूसरा वाला कनेक्ट करेंगे UM66 का जो आउट पिन है उसके साथ। अब ये दो तार जब पानी को टच करेगा तो हमारा साउंड जनरेट होगा। दोस्तों ये सर्किट बहुत एक बढ़िया सर्किट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर एक ISD 1820 मॉड्यूल को यूज़ करोगे, वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल है, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो भी तो बढ़ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।